कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, वो तो जीते जी मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो इससे लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर से डर कर पीछे हट जाता है, और एक कामयाब इंसान डर को डरा कर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेशन का पावर डोज देने वाला है, क्योंकि अब से ठीक 30 से 40 सेकंड बाद इस वीडियो में आप एक ऐसी गाथा सुनने वाले हो जिसे सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत समा चुकी होगी कि आप डर से नहीं डरोगे बल्कि डर को आपसे डर लगेगा। इस दुनिया के महान से महान लोगों ने ये बात बोली है कि ये जो तुम्हारा डर है ना, तुम्हारे नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। ये जो तुम्हारा डर है ना, यही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वो डर ही है जिस वजह से तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर वो डर नाम का कीड़ा रहेगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो दूर, तुम जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर को कैसे डराते हैं ये तुम इस कहानी से जान जाओगे। साल 1988, जब एक 16 साल का लड़का पूरा तैयार होकर मैदान में उतरने को था एक बहुत बड़े मैच के लिए। वो मैच था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच। भारत की स्थिति बेहद खराब थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एकदम जोश में भारत की स्थिति को और खराब करने की कोशिश कर रहा था। तभी इंडिया का एक और बैट्समैन अपना विकेट खो देता है, और अब बारी थी एक 16 साल के लड़के की जिसे अब टीम का भार संभालना था। वो धीरे धीरे मैदान में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे मैदान में दर्शकों की चिल्लाहटों से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने और सुनने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में थी। सब यही कह रहे थे कि ये 16 साल का लड़का जिसे अभी गलियों में बच्चों के साथ खेलना चाहिए वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ गया। बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। सामने थे पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर्स सोहेब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस, जिसकी अगर एक गेंद सही से जिस्म को लग जाए तो बंदा परलोक सिधार जाएगा। उस जमाने का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से कांपता था। ऐसे में महज वो 16 साल का लड़का क्या ही कर लेता। डर तो उसको भी लग रहा था, धड़कनें उसकी भी तेज हो रही थी, मन में डरावने ख्याल उसके भी आ रहे थे। तभी सामने से पाकिस्तानी गेंदबाज अपनी रफ्तार की गेंद लेते हुए बढ़ता है, और ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा बस उस गेंद के छूट जाने का इंतजार करता है। वो अंदर से डर रहा था, घबरा रहा था। इसी बीच वो गेंद गेंदबाज के हाथ से छूटती है और सीधे उस लड़के के नाक पर लगती है, और तभी उसके नाक से खून की धाराएं बहने लगती है। इतना खून निकलने लगता है जितने में हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो लड़का बस एक गहरी सांस लेता है, खून पहुंचता है और पट्टी करते हुए सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर वापस बल्ला थाम लेता है। ये देखते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। खुद उस लड़के के टीममेट्स उससे कहते हैं कि वो रिटायर्ड हर्ट डिक्लेयर करते हुए आउट होकर मैदान से बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़का अब एकदम निडर बन चुका था। वो उस गेंद का बहुत बहुत शुक्रिया करता है जिसने अब उसके दिल से खेल के प्रति डर निकाल दिया। वो तुरंत स्ट्राइकर एंड पे जाता है और गेंदबाज को चैलेंज करता है। अगली गेंद बाउंसर आती है और वो उस पर एक तगड़ा छक्का लगा देता है जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज एकदम थर्रा उठते हैं। इसके बाद ना सिर्फ उस मैच के दौरान वो लड़का अपनी दहशत बरकरार रखता है, बल्कि अगले 24 साल तक उसके नाम की बॉलर्स में इतनी दहशत थी कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उसको बॉलिंग करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। आज भी सचिन अपने इंटरव्यू के दौरान यही बताते हैं कि वो पहली गेंद अगर मुझे हर्ट ना करती तो मैं उस चोट लगने के डर से दोबारा कभी मैदान में उतरता ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि डर भी उसी को डराता है जो कायर होता है, डरपोक होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बना कि डर को तुझसे डर लगने लग जाए। क्या भगत सिंह को नेशनल असेंबली में बम फोड़ते वक्त यह डर नहीं लगा होगा कि उनकी इस हरकत का अंजाम फांसी होने वाला है? क्या संविधान लिखते वक्त बाबा साहेब अंबेडकर को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि जिस महार जाति के हाथों एक आम इंसान पानी तक नहीं पीता, उसी महार जाति के अंबेडकर साहब के लिखित संविधान को ये देश एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? क्या सावित्री बाई फूले को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि अगर वो औरतों की शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चे सभी को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा? उन्हें हर रात धमकी भरा खत मिलता था। हर सुबह जब वो औरतों को पढ़ाने के लिए जाती तो उन पर कीचड़ और पत्थर की बरसात होती। लोग उन्हें ना जाने कितनी गालियां देते, लेकिन क्या वो अपने मकसद से पीछे हटी? नहीं ना। जिन जिन लेजेंडरी का मैंने अभी तक नाम लिया है, क्या उनमें से अभी तक कोई भी अपने इरादों से डगमगाया? नहीं ना। एक बहादुर और डरपोक में बस इतना ही फर्क होता है कि एक फक्र से जीता है और दूसरा गुलामी में जीता है। डर को अगर हम ठीक से समझे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये असल में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल है कि अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वैसा किया तो वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम यहाँ इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या तुम्हारा परिवार परमानेंट है? क्या ये समाज परमानेंट है? इनफैक्ट जिनसे तुम डरते हो क्या वो परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तो सबको परलोक सिधारना ही है। तुम भी यहाँ मेहमान हो, वो भी यहाँ मेहमान है। बस खुद की सोच को और इरादों को पक्का कर लो, दुनिया के किसी भी डर से नहीं डरोगे। चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में डरते हो, बस इतना सोच लेना कि या तो डरना है या फिर लड़ना है। अगर डर गए तो शायद अभी बच जाओ, लेकिन पूरी जिंदगी गुलामों वाली होगी। लेकिन अगर इससे लड़ गए तो आगे की जिंदगी बादशाहों वाली रहेगी। चाणक्य ने एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन कही थी कि जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, आपका डर भाग जाएगा।
दोस्तों, लड़खड़ाना, चलना, गिरना, संभलना, उठना और फिर डबल तैयारी के साथ जीतना, यही तो जिंदगी का सार है। लेकिन इस बीच डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो वो अंदर ही अंदर मर गया। इसलिए डर को डरा दो, अपनी हिम्मत से हरा दो और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।